नमस्ते चंद्रकांता जी। नमस्ते। आज आप हमें क्या बनाना दिखा रही हैं? मैं आज आपको आम का अचार कच्चे आम का अचार बनाना बता रही हूँ। इसके लिए आपको 1 kg 1 किलो केरी, कच्ची केरी और लाके उसको धो के काट के और हवा में फैलानी है। उसको एक जार में डाल के उसके पर नमक और हल्दी, 3 teaspoon नमक और 2 teaspoon उसमें हल्दी डाल के उसको एक रात उसमें उसके ऊपर डाल के उसको रात भर के लिए रखना है। रात भर में वो केरी पानी छोड़ देगी, फिर दूसरे दिन उस पानी का हटा के पानी को निकाल दो और केरी को हवा में फैला दो। अब मसाले, उसके लिए मसाला तैयार करो। मसाले के लिए 2 spoon सौंफ, 2 spoon लाल मिर्च, 1 spoon हींग, 1 spoon दाना मेथी, 1 spoon कलौंजी, 1 teaspoon और हल्दी, 1 teaspoon, 4 teaspoon छोटी वाली नमक, इन सबको रख लो आप। हाँ, जब केरी सूख जाए तो उसके एक बर्तन में डाल लो, उसके ऊपर वो सारा सूखा मसाला बुरका नहीं, दाना मेथी को और सौंफ को इनको दर दरा पीस लो। पीसने के बाद में आप चाहो तो इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और लौंग भी डाल सकते हैं, मोटी पीसी हुई। इन सबको है ना सूखे उसके ऊपर डाल लो, केरी को ऊपर डाल के, और उसको आधे घंटे के लिए ऐसे छोड़ दो। और उसके बाद में तेल गर्म हो जाए, जितने देर में तुम सरसों का तेल गर्म कर लो, 1 किलो केरी के लिए करीबन वैसे 400 ग्राम तेल काफ़ी होता है, लेकिन तुम गरम कर लो। गरम जब उसमें धुआं आने लग जाए तो गैस बंद कर दो। सरसों का तेल क्यों काम में लेते हैं? सरसों का तेल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ये नुकसान नहीं करता है, इसीलिए तेल का अचार का स्वाद भी बढ़ जाता है। इसीलिए सरसों का तेल काम लेते हैं। हाँ। और फिर जब अचार तेल गर्म हो जाए गैस बंद कर दो। जब वो गुनगुना सा रह जाए उसके बाद में जो मसाला लगी केरियाँ हैं वो उसके अंदर डाल दो और उसको हिला लो। हिलाने के बाद 1-2 मिनट उसको गैस पे वापस से हिला लो और गैस बंद कर दो। अचार ठंडा हो जाए तब उसके बाद में साफ सूखे जार में डाल के और उसको रख दो। जब उसको दबा दो जिससे वो तेल ऊपर आ जाए। ये अचार तुम 12 महीने तक भी बहुत अच्छे से रख सकते हो और बहुत खाने में भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। वो क्या है अभी